सो गाइस हम पहुंच चुके हैं नथिया गली का माल रोड जिसे कहते हैं, और यहाँ पे जो है ना फुल रौनक लगी हुई है। सुभान बस कर दो। ये हमारे यहाँ कौन है पहचानो, कमेंट बॉक्स में बताइए ये कौन है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वीडियो न्यू व्लॉग के साथ उमेश सिद्दीकी अगेन हियर एंड वेलकम बैक टू उमेश सिद्दीकी चैनल। गाइस होप सो आप सब खैरियत से होंगे, मजेदार होंगे, शानदार होंगे और मेरे व्लॉग्स को एंजॉय करोगे। सो गाइस अब हम हो चुके हैं रेडी और अभी हम यहाँ से चेकआउट करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा आगे डेस्टिनेशन है नथिया गली की। जैसे कि आप लोगों को टाइटल और थंबनेल से पता लग रहा होगा, तो बस फटाफट निकलते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे सब ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। बस मैंने कहा चलो भाई यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट लिया जाए। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर लो, वीडियो को शेयर कमेंट एंड सुपर पॉपुलर सर्चिंग सुपर वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। सो कैमरा ऑन है मुझे तो बताएंगे। सो लेट्स गो। आज बोले मेरे शुक्र सुबह नंगी शंकर ना आजा मुकुंद में लघु मुकरिनी इन ना इलारत बने लघु काली हाईएस्ट पॉइंट ऑफ शंग्रीला टॉप नाउ। अरे हम सुपर तो कोई पहाड़ नहीं है। यस वी आर एट द टॉप। वो कौन सा नो बेबी, हम इसको क्रॉस करके जाएंगे नथिया गली। और हमारी नन्ही लाया देखे कहाँ बैठ चुकी है। क्या उधर आएगा।
कोन शेप पहाड़। यस Many hours later. Okay guys, हम पूरे 5 घंटे बाद जो है ना यहाँ पे आए हैं सर्विस एरिया कह लें या ब्रेक लेने के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। सोच रहे हैं कुछ खाए पिया, नन्नी नाया भी बैठ गई। हेलो सनाया, से हाय। सनाया यहाँ पे सोहा भी है। सोहा सुभान। तो बस गाइस फटाफट ऑर्डर देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो बस अब कुछ खाएंगे पियेंगे, चाय चाय पियेंगे और फिर हम मिलेंगे थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे चल रही है फुल पार्टी शार्टी गाइस। ब्रोस भी आ चुका है, नगेट्स भी आ चुके हैं। सनाया खूब इंजॉय कर रही है नगेट्स और सब बैठे हुए यहाँ पे फुली भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। उम्मीद आप लोगों को पता है हमें जो है ना ट्रैवलिंग करते करते जो है 5 घंटे हो चुके हैं। सवा से नतिया गली हमें जाना है और अभी हमने ब्रेक लिया है 5 घंटे बाद। तो बस हम ये सब जो है कुछ खा पी रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, चाय वाय पीके भी फारिग हो चुके हैं और अभी मज़ीद हमें 1.5 घंटा और लगेगा। तो बस समझो कि अभी 7 बज रहे हैं तो 9 बजे तक तो मुझे लगता है कि ना हम पहुँचेंगे। तो बहरहाल देखिए कब पहुँचते हैं। और मैंने कहा आप लोगों को ही बता दूँ कि जो है सवार से लेके नतिया गली का जो रास्ता है ना बाय कार, और रुके हम जो है सिर्फ अभी रुके, हमने कहीं ब्रेक नहीं लिया। तो बस लेट्स सी कब पहुँचते हैं। होप फॉर द बेस्ट, हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ट्रैवलिंग का। तो जो है बस खैर इंजॉय भी करते जा रहे हैं और जो है यहाँ पे बच्चों की चुट्टू मुट्टू नोक झोंक भी चल रही है साथ के साथ साथ। तो बस चलो चलते खा पी के फिनिश करके रास्ते में मिलते हैं। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं हम। चलो भाई चलो, चलो भाई चलो, चलो भाई चलो। सनाया उठ यार। ओके वाओ, सनाया को जाना है जी। ओके वॉल क्लाइंबिंग कहते हैं, वॉल क्लाइंबिंग, कम ऑन। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं नथिया गली पूरे के पूरे 8 घंटे में और अब मैं कराने जा रही हूं आपको अपना रूम टूर, सो लेट्स गो। चलो गाइस देखना स्टार्ट करें। एंटर होते साथ ही जो है ना यहां पे वार्डरोब दे दी गई है और जो है चलो भाई ये हो गया। यहाँ पे कैटल और टी का भी इंतजाम है ज़बरदस्त और फ्रिज भी है, वेरी गुड। और क्या यहाँ पे कैबिनेट्स वगैरह भी दिए हुए हैं, गुड हो गया। और हमारे आगे चलेंगे तो जो है ड्रेसिंग टेबल है और इसके जस्ट अपोजिट वॉशरूम इज गिवन एंड गुड हो गया। ओ वाओ, दिस इज वॉशरूम एंड हेयर ड्रायर भी है। ओ गुड जॉब। चलो अब चलते हैं आगे। तो हमें यहाँ पे सारी डिटेल्स दी भी हैं कि जो है नेटवर्क का भी सारा है ना, वाईफाई वगैरह सब चीज़ इंस्ट्रक्शन दी हुई है। और यहाँ से पहले फुल व्यू देखें आप, ये है रूम। ठीक है गाइस, यहाँ पे सोफ़ा सेटिंग दी हुई है, गुड हो गया। ओ ये सनाया ने तो अटैक कर दिया इन चीज़ों पे भाई। सनाया अभी मैं बनाती हूँ आपके लिए, वेट अब हम डिनर को जाएंगे ना, सो प्लीज पुट इट बैक ऑन प्लेस। और ये ऊपर फैन चेक करें, सनाया के लिए लिपस्टिक मम्मा के पर्स में है और गिव मी 2 मिनट्स। और ये पूरा यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है सनाया, सो पर्स में से दे दो बेटा। और ये देखिए कैसी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, पर्जे जो है ना ऐसे उड़ रहे हैं। ये दी हुई है गैलरी, वो वाओ, मौसम बहुत फाइन है, मतलब चिल वेदर है, चिल वेदर। ये पूरा बैक साइड है आई गेस, सो इलाइट रीजेंसी, यस सॉरी। तो जो है ये पूरा दिया हुआ है और हमारे सामने कैफे फूड,
फूड टेस्टर मौजूद दिख रहा है। ये आपको जूम इन करके दिखाती हूँ, ये ना कोई कैफे है। ठीक है गाइस, तो बस वापस अंदर चलते हैं हम। और यहाँ से हम इसको बंद करते हैं क्योंकि ठंडी हवा आ रही है, इसको हम बंद कर देते हैं क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आ रही है। सो गाइस, दिस इज आवर रूम टूर, और सनाया ने आते साथ एसी ऑन कर दिया, इनकी हालत देखें। सो फाइनली गाइस, अब हम जो है ना रेस्ट रेस्ट करते हैं क्योंकि मुसलसल एक घंटे की जो ड्राइव है ना उससे हमें लिटरली बहुत थका दिया, तो बस हम अब फ्रेश व्रेश होते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो स्टे ट्यून एंड कनेक्टेड विद मी। A few moments later. And so guys, हमारी नन्नी नाया रेडी हो चुकी है, चेक हर आउटफिट, कूल डूड। सोहा भी रेडी हो चुकी है, सोहा। तो यहाँ पे मोहम्मद सुभान ने कार्ड निकाली है, हमारी नन्नी नाया को तो आप पहले देख चुके हैं, सो लेट्स गो गाइस। सो क्यों हम लिफ्ट से क्यों नहीं जाएंगे? स्टेयर से जाएंगे। ओके ओके गाइस, हम जा रहे हैं कुछ खाना खाए पिए, सर्च आउट करें। ग्राउंड फ्लोर पे जाएं। वो दिस इज ग्राउंड फ्लोर रेस्टोरेंट। ओके नाइस। ओए होए, ओके यहाँ पे ये एक्टिविटीज होती हैं। ओके वी आर नाउ ऑन फर्स्ट फ्लोर। फोर्थ फ्लोर है। यहाँ पे इन लोगों ने जो है ना कार पार्किंग की हुई है। हम लोग का जो होटल है वो एलाइट रीजेंसी है। ठीक है गाइस, और निकलते साथ ही हमारे राइट हैंड पे है एलाइट एडवेंचर पार्क, जस्ट फन किड्स जोन। लेकिन अभी हो चुकी है रात, तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। गाइस आ चुके हैं हमारी कार, वापस हम आ चुके हैं और कार में बैठ के जाएंगे। वो रेड ऑनियन भी है भाई। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं नथिया गली का माल रोड जिसे कहते हैं, और यहाँ पे जो है ना फुल रौनक लगी हुई है। अब बस हम सोच रहे हैं कहीं गाड़ी पार्क करें और हम भी जो है ना वॉकिंग करते करते जाएं और आपको भी वॉकिंग करते करते दिखाएं। सो ये चेक, तो यहाँ भी है। हम पहुंच चुके हैं और हमारी नजर पड़ी है पहले यहाँ पे, और हम सोच रहे हैं जी नाया क्या लेना है, ये लेना है। ओके चलो मास्क वास्क चेक करते, वैसे भी लगता है यहाँ पे ना लाइट शाइट जा चुकी है। ओके लाइट भी चेक सनाया। सुभान बस कर दो। ये हमारे है, कौन है पहचानो कमेंट बॉक्स में बताइए ये कौन है। उई। यस जी सोहा, कुछ कुछ दिख गया इनके मतलब का, रिंग्स दिख गई हैं इनको। ओके सो नया को गुस्सा आ रहा है, सुबह इनको डराए जा रहे हैं। नहीं सुबह नहीं करो बेटा, उसको डर लग रहा है। और गाइस हमने वॉक स्टार्ट कर दी है, हम पाँव पाँव निकल गए नथिया गली की सड़कों पे। मजेदार मौसम हो रहा है। ओके नहीं अभी सीधे चलो, स्ट्रेट चलो, ट्रैफिक है। ओके गाइस अभी हम लोग स्टिल सर्चिंग आउट कर रहे हैं,
यहाँ पे तो लाइट आ रही है, उधर लाइट चली गई थी। सुबह सुबह जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइट गई हुई है, आगे भी हमें लाइट नहीं मिलेगी। इनके यहाँ लाइट और राइस खाना। नीचे चलते हैं, ये देखें, नीचे चले। हाँ नीचे चलते हैं, आ जाए आ जाओ। डार्कनेस कितनी हो रही है और हम जो है ना नीचे जा रहे हैं सबके सब। ये देखिए गाइस, हाँ भाई पकड़ा हुआ है, हाथ पकड़ लो सनाए का। इस साइड में खाई है, ये देख रहे हैं, चेक करते जाएं। और हम यहाँ पे आए हैं कि शायद गाइस हम वापस जा रहे हैं क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आया। वो वापस लाइट भी आ चुकी है। फाइनली गाइस हम अगेन ऊपर आ चुके हैं, अगेन अपनी वॉक स्टार्ट करते हैं। सबके सांस फूल चुके हैं, इन लोगों को मैंने अच्छी खासी वॉक करवा दी क्योंकि हम गए थे नीचे, अब हम वापस आ चुके हैं ऊपर। और गाइस हम चलते चलते पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और हमें होटल दिखा है पटाखा रोस्ट। हमें किसी ने कहा था यहाँ का खाना ज़रूर ट्राई करना है, तो बस स्पेशली हम पटाखा रोस्ट बारबेक्यू एंड मोर की तरफ आए, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके सो गाइस हम वापस आ चुके हैं क्योंकि हमें खाने थे चपली कबाब जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, ख़त्म हो चुके थे। तो हमने दोबारा यू टर्न मार के अब हम कहीं और चलते हैं, ढूंढते हैं कुछ यम्मी सी चपली कबाब कहाँ पे मिलेंगे। फाइनली गाइस हम लोग को पता चल गया कि लेबल के मज़ेदार स्पाइसी चपली कबाब मिलने जा रहे हैं भट कढ़ाई पे, और जो यहाँ पे दो जगह पे भट कढ़ाई है, भट कढ़ाई तो जो हमें जो बताइए ना उस वाले रेस्टोरेंट में जा रहे हैं भट कढ़ाई, ताकि वहाँ की चपली कबाब ट्राई कर सके। आपको टॉप पे बैठ के खाना खाना है? हाँ। ओके तो ये है वो बट कढ़ाई, ठीक है गाइस, यहाँ पे चपली कबाब की तारीफ बड़ी सुनी है हमने। फाइनली गाइस हमने जो है ना अभी से ऑर्डर डन करवा दिया है, अब हम जा रहे हैं बैठने के लिए। पहले हमने पूछा कि क्या क्या चीजें हैं इनके पास, हमारे मतलब की सारी चीजें यहाँ पे मौजूद थी, तो बस अब हम चलते हैं सील शीट को पकड़ते हैं। है इनके पास पटाखा रोस्ट एंड चपली कबाब। चलो गाइस जो है फाइनल ऑर्डर करते हैं। ओके जी गाइस अब हम जो है ना ऑर्डर शॉर्डर करते हैं और फिर मिलते हैं ऑर्डर देने के बाद, और यहाँ का रिव्यू भी मैं आपको ज़रूर बताएंगे। वैसे तारीख तो बहुत सुनी है लेकिन जो है मैं भी आपको अपना पर्सनल रिव्यू ज़रूर दूंगी। जी हमारा खाना आ चुका है, चपली कबाब आ चुके हैं, ये है चिकन रोस्ट है ना, पटाखा रोस्ट है, और ये हमारी कढ़ाई है। सो गाइस हमारा खाना लग चुका है जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं और फिर मिलते हैं खाना खाने के बाद, और यहाँ का भी टेस्ट आपको ज़रूर बताएंगे कैसा था। सो स्टे कनेक्टेड विद मी सनाया। बिस्मिल्लाह सनाया जो है ना फुल इंजॉय कर रही है। सो गाइस हम सब खाना खा पी के फारिग हो चुके हैं, अब आइए बारी रिव्यू देने की जो कि सोहा देंगी, और जो है आप लोगों को सोहा बताएंगी कि आज का खाना कैसा रहा और उनको कैसा लगा, मतलब हम सबको कैसा लगा। यही जगह खाना बहुत बसी का है, यहाँ की चिकन रोस्ट स्पेशली बहुत बसी की है, यहाँ की चपली कबाब भी बहुत बसी है, और यहाँ की कढ़ाई की रोटी बहुत बसी है, और खाना बहुत अच्छा था एंड 10 out of 10 अच्छा होगा। ओके गुड सुभान, बस ये आप समझ जाए सुभान अभी तक खा रहे हो तो कैसा खाना हो रहा होगा। हम जो है ना चलते हैं और मज़ीद वॉक करते हैं और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, सो चले हमारे साथ। सो लेट्स गो।
नथिया गली का बाजार चेक करने जाए। लोग भी चल रहे हैं, गाड़ियां भी चल रही हैं, सब चल रहे हैं। डन 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 कितनी प्यारी है ये, क्या है भाई? वाओ ये कितना प्यारा है, सो क्यूट। A few moments later. Finally guys, हम लोग में आ चुके हैं और इसी के साथ हमें इजाजत है, हम आज का यहाँ पे एंड करने जा रहे हैं। होप सो हमारा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने भी हमारे साथ ट्रैवलिंग व्लॉग को खूब इंजॉय किया होगा फ्रॉम सवाद टू नथिया गली। सो इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे न्यू डे न्यू व्लॉग के साथ। टिल दैट अल्लाह हाफिज़।